और पाकिस्तान बॉलिंग करने का फैसला लिया है टॉस जीत का। में एक नंबर, उसके बाद दो नंबर, उसके बाद ढाई नंबर, उसके बाद दस नंबर। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है जिसमें इंडिया जीतने वाली है। कितने? दो, दो चार, दो छह, दो आठ, दो दस। राधे राधे आप सभी को, आप लोगों का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और मैं नहा धोवा कर पूजा पाठ करके रेडी हो गया हूँ अपना नोएडा जाने के लिए। ड्यूटी नहीं जा रहा, नोएडा जाने के लिए अपना बैग वैग पैक कर लिया हूँ। आशीष नीचे नाश्ता कर रहा है यार। तो चलिए निकलते हैं हम नोएडा के लिए दोस्तों। और आज आप लोगों को नोएडा का ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा, मेरे हाथों से बना बनाया खाना देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। देखिए हमारा सफर का शुरुआत हुआ है और सोनी भाई की तरफ से देखिए आया है रसगुल्ला। ये बोल रहा है कि मेरा नाम बोलना कि मैं लेकर के आया हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ नाम चेंज कर दूँ, अब आशीष का नाम ले लूँ। आशीष बोल रहा है मुझे कोई तकलीफ नहीं, हमारा नाम ले लोगे तो पता चेंज कर दूँ। अभी सोच रहा, पहली बार तो हमारा बोल ही दिया। गलत बात है। कितने? दो, दो चार, दो छह, दो आठ, दो दस। आदमी कीजिए पांच, मतलब दो ही हमारे हिस्से में पड़ेंगे। चलो कोई नहीं, दो ही खा लेते हैं दोस्तों, यही लपेट देते हैं इसको दोस्तों। है दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अपने रूम पे और खाना पीना खा करके लेट गए हैं, लेकिन लाइट नहीं है इधर। देखिए पंखा वंखा बंद है और गर्मी वर्मी भी थोड़ा बहुत तो लग ही रहा है। वहाँ वाला एसी वहीं छूट गया, यहाँ कोई एसी वैसी नहीं है। कचरा जी वहाँ एसी वहीं रह गया, यहाँ पे एक कूलर है। पता नहीं कूलर वहाँ चला के देखे हैं? कूलर देखेंगे, चेक करके चलता उलता है कि नहीं। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया था, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है जिसमें इंडिया जीतने वाली है। कोई ना कोई तो मारेगा ही, रोहित, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कोई ना कोई तो चलना ही चाहिए। चलना चाहिए तो अच्छे से कुटाई होना चाहिए। हाँ, हालांकि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक बहुत ही तगड़ा है, बट इंडिया का बैटिंग अटैक बहुत तगड़ा है। तो आज मैच आज 8 बजे से स्टार्ट होगी, तो देखते हैं कि मैच कौन जीतता है दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों मैं अपना बाल कटिंग करवा के आ गया हूँ, और ज़्यादा छोटा नहीं करवाया हूँ। ऊपर वाला बाल तो थोड़ा बड़ा बड़ा ही है, लेकिन साइड वाला बाल छोटा छोटा करवा लिया इधर। इस बार थोड़ा ज़्यादा छोटा करवा लिया। नीचे में एक नंबर, उसके बाद दो नंबर, उसके बाद ढाई नंबर, उसके बाद दस नंबर। तो साइड साइड से तो बड़ा बड़ा ही है, देखिए इतना बड़ा ऐसा, जो कि मेरा बिग बिग जो बाल में बिग लगाते हैं ना, बिग जिसके पास बाल नहीं रहता वैसा स्टाइल है ये वाला, कि पता नहीं चलता कि बिग लगाए हैं या फिर बाल है। और उसके बाद बाकी तो देख ही रहे हैं आप लोग, हीरो हीरा लाल लग रहे हैं हम तो। बाल कटिंग हो गया है और आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो मैं सोचा कि आज सुबह सुबह करके नहा धोवा करके थोड़ा फ्री रहते हैं कि इंडिया जीते और हम जश्न मनाएं। और एक मेरा काम बाकी है भी, वो भी कर लेता हूँ। ये जो माला है तुलसी जी वाला, ये एक तो सही है, एक टूट गया मेरा, तो उसको चलता हूँ अभी गूँथ लेता हूँ दोस्तों बैठ करके। फिलहाल बैग में मैं लेकर के आया हूँ, वहाँ तो टाइम मिलता नहीं था, वहाँ चले जाते थे क्रिकेट खेलने सबके साथ में, तो टाइम मिलता नहीं था। यहाँ तो टाइम है हमारे पास, तो चलते हैं गूथ लेते हैं, देखते हैं कहाँ पे है रखा हुआ। तो भाई साहब मैं गूथ के पहन लिया हूँ, हालांकि पहले से छोटा हो गया क्योंकि कुछ दाना बची रह गए इसमें। मैं मुझे याद ही नहीं था मैं कैसे कैसे खोला हूँ, तो थोड़ा उल्टा पुल्टा गूथ आ गया। एक तरफ ये एक एक दो दो दाना वाला, एक तरफ इधर एक एक दाना वाला हो गया, मतलब ये मिला ही नहीं पाए कि कितना कैसे गूथना है इसीलिए। और चलिए चलते हैं, अभी मोदी जी शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं, तो देखते हैं कौन 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 सा मंत्री बनते हैं। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, तो वो भी थोड़ा बहुत आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। मोदी जी शपथ ले रहे हैं गाइस, देखिए। चलिए जी भाई, नेहरू जी के बाद मोदी जी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। दोस्तों देखिए मैच शुरू हो गया है इंडिया पाकिस्तान का, और पाकिस्तान बॉलिंग करने का फैसला लिया है टॉस जीत का। और रोहित शर्मा और विराट कोहली आए ओपनिंग करने के लिए। पहला बॉल का सामना होने जा रहा है अभी। स्ट्राइक कौन लिया? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा स्ट्राइक लिया है। तो चलिए जैसे जैसे मैच बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बीच बीच में आप लोगों को हाल चाल देता जाऊँगा। वैसे एक बॉल तो निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्राइक बॉलर कौन है? शाहीन आफरीदी स्ट्राइक बॉलर, और रोहित शर्मा सामने खड़ा है भाई। अरे ये रोहित शर्मा वर्सेस शाहीन आफरीदी, 62 बॉल में 52 रन, 3 बार आउट किया है। चल भाई फेंक 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 रेडी। और पहला बॉल और यॉर्कर, पहला बॉल और एक रन, दो रन, पहला बॉल दो रन ले लिया भाई, पहला बॉल दो रन। चलिए जैसे जैसे आगे मैच बढ़ता है दोस्तों आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। बस दो आप लोगों को क्या बताएं, ये तो बारिश हो गया मैच में, देखिए अभी 6 मिनट बाद स्टार्ट होगा।
ये बरसा पीछे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा, नहीं तो रोहित शर्मा तो अभी छक्का मारा था तीसरा ही बॉल में और सोचे पांचवा बॉल भी छक्का मार देगा लेकिन गड़बड़ा गया। 6 मिनट के बाद पता चलेगा कितना छक्का चौका लगे। दोस्तों इंडिया का 15 ओवर पे 7 विकेट 100 रन हुए बस। सुदीप चौका मारा है, देखिए चौका मारा अभी धमाक से दम। डे 120 रन बन जाए वही काफी है, 120 रन भी बन जाएगा तो मजा आ जाएगा मैच में, 130 रन बन जाएगा तब। अभी कितना 104 बना 16 ओवर 2 गेंद में 7 विकेट। अभी छपरी पांड्या है, देखिए क्या करता है वो। दोस्तों इंडिया 119 पे ऑल आउट हो गई है 19 ओवर में, देखिए ऐसे रन आउट हुई है ये लास्ट विकेट। तो अब पाकिस्तान को बनाना है 120 बॉल में 120 रन, तो देखते हैं क्या होता है। और ये मैच का हाल आप लोगों को कल बताएंगे, मैच काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है क्योंकि बॉलिंग पिच है तो उधर से भी विकेट बहुत गिरेगा, बाउंड्री भी बहुत लंबा लंबा है, किसी से छक्का वक्का लग नहीं रहा था। रोहित शर्मा को खींच के छक्का मारा था, एक मारा था अक्षर पटेल पीछे, बाकी किसी से नहीं लगा, सब प्रयास करके देख लिया। और बॉलिंग इतनी टफ चल रही है कि क्या। तो चलिए आप लोगों सब कल मिलते हैं और कल वाले ब्लॉग में बताते हैं कि इंडिया जीती है या हारी है। वैसे मुझे तो लग रहा है कि जीतेगी, बाकी क्रिकेट है कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।